कांग्रेस की ओर से लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है, जहां राजधानी भोपाल की मध्य विधानसभा सीट पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सहित बड़े नेताओं ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ाने की सलाह दी है। देखिए रिपोर्ट। मिशन लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस विधानसभा चुनाव के परिणाम को दोहराना नहीं चाहती है। यही कारण है कि कांग्रेस ने एमपी की 29 लोकसभा सीटों पर प्रभारी की नियुक्ति कर रिपोर्ट तैयार करने के दिशा निर्देश दिए। उसी कड़ी में भोपाल के मध्य विधानसभा सीट पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां लोकसभा प्रभारी प्रियव्रत सिंह ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। सम्मेलन का प्रोग्राम हमारी ताकत है, वो निश्चित रूप से हमें उसके संबंध में आज जो मध्य विधानसभा के कांग्रेस के कार्य अरे प्रिय वहीं इस दौरान मध्य विधानसभा से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि हम विधानसभा चुनाव के परिणाम को दोहराना नहीं चाहते हैं। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं। हाँ, एक लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेके मध्य विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है और उसमें दोनों तीनों हमारे नेता शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे और एक तैयारी भी है, कम से कम लोगों को लगे और विधानसभा के तमाम साथी जमा। देखिए, हमारा काम पहले भी 2024 तैयारी के साथ लड़ने का था। अनफॉर्चुनेटली 2023 में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है, जिसको लेके कांग्रेस आज भी मंथन कर रहा है और जो 2023 में होगा और 2024 निपटे ऐसी स्थिति होगी। के लिए हमसे जो लग रहा है, जहाँ जहाँ संगठन को सक्रिय कर सकते हैं वहाँ सबको करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, जब थोड़ा सा रिजल्ट परिणाम गलत आते हैं, विपरीत आते हैं, तो कार्यकर्ताओं का थोड़ा मनोबल कम होता है, तो उनको ये बताने की आवश्यकता भी होती है कि ये पार्टी एक आइडियोलॉजी वाली पार्टी है जो देश का हित सोचती है। सत्ता से ज़्यादा हमारे लिए देश सर्वोपरि है, तो हमको अपने मूल सिद्धांत पर अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाना। बता दें कि कार्यकर्ता सम्मेलन में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, लोकसभा प्रभारी प्रियव्रत सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी एवं बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।